गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कल हमने देखा था कि इनिगेशन टेम्परेचर के बारे में। अब जो है सपोर्टर ऑफ कम्बस्टन दैट ऑक्सीजन गैस मींस थर्ड हमारी कंडीशन, पहला तो क्या था कि वो कम्बस्टन सबस्टांस होना चाहिए, दूसरा क्या था टेम्परेचर, और थर्ड क्या था सपोर्टर ऑफ कम्बस्टन दैट इज ऑक्सीजन गैस, मींस ऑक्सीजन गैस का होना जरूरी है। जैसे मान लो हम कैसे चेक करेंगे, अब जैसे मान लो मैंने एक ये कोई भी जलती हुई कैंडल ले ली इस तरह से, ठीक है, कैंडल है, इसके ऊपर जैसे आपने एक ग्लास रख दिया कोई, ठीक है, एक बार तो इस तरह से आपने ओपन ग्लास इस तरह से ऊपर से खुला है, ठीक है, ये ग्लास रखा। दूसरी कंडीशन में क्या किया, ये जो ग्लास है थोड़ा सा नीचे से थोड़ा सा लूज कर दिया आपने, मतलब नीचे से थोड़ी हवा पास हो रही है और इसके अंदर कैंडल है। थर्ड कंडीशन में क्या किया, आपने जो ग्लास है वो पूरी तरह से ढक दिया और कैंडल है वो जल रही है। तो पहले वाले केस में क्या होगा, कैंडल पूरी तरह से जलती रहेगी, क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन गैस मिल रही है। दूसरे वाले में थोड़ी सी नीचे से लूज है ना, थोड़ी बहुत ऑक्सीजन आ रही है, तो ये थोड़ी सी मतलब धीरे धीरे जलेगी और धुआं उत्पन्न करेगी। थर्ड कंडीशन में क्या होगा, बिल्कुल भी ऑक्सीजन नहीं जा रही, तो ये ऑटोमेटिक बंद ही हो जाएगी, ठीक है। तो फिक्स ए लाइटेड कैंडल ऑन ए टेबल, मीन्स हमने एक कैंडल ली, पुट ए ग्लास चिमनी ओवर द कैंडल्स, मीन्स इसमें चिमनी दे रखी है, मैंने आपको ग्लास से एग्जाम्पल दे दिया, ठीक है। एंड रेस्ट इट ए फ्यू वुडन ब्लॉक्स, मीन्स एक पे आपने लकड़ी का टुकड़ा लगा दिया, इन सच ए वे दैट एयर इंटर द चिमनी, मीन्स ताकि उसमें से चिमनी में से एयर इंटर करे। ऑब्जर्व व्हाट हैपन टू फ्लेम, मीन्स क्या क्या होता है। नाउ रिमूव द ब्लॉक एंड चिमनी रिमेनिंग रेस्ट ऑन टेबल, मीन्स अब इसने अलग अलग जैसे एक ही कैंडल ले ली, एक बार उस पर इस तरह से कर दिया कि उसके अंदर पास हो, दूसरे में अंदर, मीन्स इसने कोई लकड़ी का टुकड़ा लगाया और उसमें हवा पास होने चाहिए, मीन्स एयर। वी फाइंड दैट द कम्बस्टन एयर इज नेसेसरी, मीन्स हम इसमें देखेंगे कि क्या एयर की ज़रूरत होती है। पहले केस में, मीन्स पहले केस में क्या हुआ कि एयर है वो अंदर जा रही थी, तो कैंडल बर्न इन फ्रीली, मीन्स कैंडल आसानी से जलेगी व्हेन एयर इंटर, जब तक हवा अंदर जा रही है, क्योंकि एयर के अंदर ऑक्सीजन गैस प्रेजेंट होती है और ऑक्सीजन कम्बस्टन के लिए ज़रूरी है। सेकेंड केस में क्या होगा, व्हेन एयर डज नॉट इंटर द चिमनी फ्रॉम द बिलो, मीन्स जब तक वो नीचे से, मीन्स हवा नहीं जाएगी, फ्लेम फ्लिकर धीरे चलेगी एंड प्रोड्यूस स्मोक और धुआं उत्पन्न करे, ठीक है। उसके बाद में थर्ड केस में क्या है, द फ्लेम फाइनली ऑफ, मीन्स और अंत में क्या हो जाएगी, वो फ्लेम है वो ऑफ हो जाएगी, बंद हो जाएगी, व्हेन एयर इज नॉट अवेलेबल, जब एयर बिल्कुल भी प्रेजेंट नहीं होगी, ठीक है, तब क्या होगी, एयर है वो पूरी तरह से, मीन्स वो जो फ्लेम है वो पूरी तरह से बंद हो जाएगी। उसके बाद में है टाइप ऑफ कम्बस्टन, कम्बस्टन तीन टाइप के होते हैं, एक होता है स्पॉन्टेनियस कम्बस्टन, एक रैपिड कम्बस्टन और एक एक्सप्लोसिव कम्बस्टन। स्पॉन्टेनियस जो अपने आप जले, स्पॉन्टेनियस क्या होता है, जो अपने आप हो, ठीक है, जो अपने आप होते हैं वो क्या होते हैं, स्पॉन्टेनियस कम्बस्टन। रैपिड कम्बस्टन कौन से होते हैं, जो थोड़े से, मीन्स जलने के लिए थोड़े कुछ ना कुछ हमें ज़रूरत पड़ती है, जलते हैं, और एक्सप्लोसिव बहुत ज़्यादा मतलब करें। पहले हम देखते हैं स्पॉन्टेनियस कम्बस्टन, जो रूम टेम्परेचर के ऊपर, जैसे गर्मी का मौसम होता है तो गर्मी के मौसम में रूम टेम्परेचर भी ज़्यादा हो जाता है, टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है ना, तो वो अपने आप जलने लग जाते हैं, कोई आपको माचिस की तिल्ली लगाने की ज़रूरत नहीं होती, वो अपने आप जलने लगते हैं, तो वो क्या होते हैं, स्पॉन्टेनियस कम्बस्टन। इट इज ओकर्स एट रूम टेम्परेचर, मीन्स ये रूम टेम्परेचर के ऊपर होता है, एट सिट्स आवन अपने आप। इट इज शोन एनी सबस्टांस दैट हैव इनिगेशन टेम्परेचर लेस देन रूम टेम्परेचर, मीन्स ये कब होता है, जब इनिगेशन टेम्परेचर रूम टेम्परेचर से कम हो जाता है, क्यों, क्योंकि गर्मियों के अंदर रूम टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा होगा और वो अपने आप जलने लग जाएंगे। जैसे एग्जाम्पल है बर्निंग ऑफ येलो फॉस्फोरस, फॉस्फोरस क्या होता है, जब येलो फॉस्फोरस लेते हैं तो उसका टेम्परेचर क्या होता है, इनिगेशन टेम्परेचर बहुत कम होता है, तो ये अपने आप गर्मियों में आग पकड़ जाता है, ठीक है, तो वो कौन सा हो गया, स्पॉन्टेनियस। सेकेंड क्या है, रैपिड कम्बस्टन, रैपिड कम्बस्टन कौन सा होता है, मीन्स जो हीट प्रोड्यूस करे, लाइट करे, लेकिन उसको आपको मतलब जलने के लिए कुछ ना कुछ चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, जैसे आप घरों के अंदर गैस जलाते हैं तो लाइटर वगैरह यूज करते हैं। इट ओकर्स वोलिंग लोट ऑफ हीट, मीन्स काफ़ी हीट निकलेगी एंड लाइट इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, थोड़े से समय के अंदर ही, मीन्स काफ़ी हीट निकलती है और लाइट, जैसे एग्जाम्पल है LPG, अगर हम LPG जलाते हैं, मीन्स जो घरों में अपना सिलेंडर वगैरह जो होता है, किरोसिन ऑयल जलाते हैं, तो भी ये क्या होता है, तुरंत आग पकड़ जाता है, हीट भी देता है, लाइट भी, कोल है, इनको जलाते हैं, तो ये कौन सा आपका रैपिड कम्बस्टन, ठीक है।